न्यूज के सभी दर्शकों को सुनय पांडे का नमस्कार। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपीठ से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता प्यारे मोहन सरकार के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। अधिवक्ता समाज में छाई शोक की लहर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ साल का पहला तहसील समाधान दिवस। 15 दिनों में सभी मामलों के निस्तारण का दिया आदेश। आंगनबाड़ियों ने स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत करने और गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए शपथ। जिलाधिकारी ने कंप्यूटर कृत खतौनी लेने आने वालों के लिए फीता काटकर किया विश्राम कक्ष का उद्घाटन। आईएमए के यूपी कोर के आह्वान पर डॉक्टरों ने किया 12 घंटों का हड़ताल। एमसीआई के भंग करने और एनएमसी के गठन पर जताया विरोध। तहसील परिसर में विधायक और जिलाधिकारी ने गरीबों को किया कंबल वितरण। 10 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने मंडलायुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन। एनएसएस और एनसीसी की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने बैठक कर बनाई आगामी आंदोलन की रणनीति। गोरखपुर जिले के नोएडल अधिकारी संजय अग्रवाल अपर मुख्य सचिव जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 3 जनवरी को आएंगे। आईटीआई में लगेगा 4 जनवरी को रोजगार मेला। और जिला क्रिकेट लीग में डोना क्लब ने सुपर क्लब को 4 विकेटों से हराया। अब खबरें विस्तार से। सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्यारे मोहन सरकार को हार्ट अटैक आने से मंगल की भोर में उनका निधन हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता के आकस्मिक निधन से अधिवक्ता समाज में शोक की लहर छाई है। मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिए। 101 वर्षीय स्वर्गीय प्यारे मोहन सरकार 3 पीढ़ियों से गोरखपीठ से जुड़े हुए थे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्यारे मोहन सरकार की मृत्यु बहुत ही दुखद है। उनकी 3 पीढ़ियाँ गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी थी और मंदिर और महाराणा प्रताप संस्थान के कार्यों को वो देखते थे। अपने अंतिम दिनों में भी वो कोर्ट के कार्यों को देखा करते थे। बिना किसी को कष्ट दिए अपना काम आखिर तक खुद किया। हाँ, कोई मदद नहीं किसी की। मुझे कभी जाना था, रुका अचानक सम्मान भी हुआ है। नहीं, अभी गोरखपुर महोत्सव के लिए नाम मैंने वो कराया था, नोट कर जी जी जी। लेकिन ऐसा रहा कि तो अच्छा हुआ कि 10 दिसंबर को हो गया सम्मान। जी, क्या बताया, हिस्ट्री हो गई। चलिए, हिम्मत से लेकर के अंतिम संस्कार करें। देखिए, प्यारे मोहन सरकार जी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक थे। 101 वर्ष की उम्र में भी वह प्रैक्टिस करते हुए गोरखपुर में कोर्ट में देखे जा सकते थे। बहुत अच्छे अधिवक्ता थे, प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे और गोरखपीठ से पिछले 3 पीढ़ियों से वे जुड़े हुए थे। 101 वर्ष की उम्र में आज ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 101 वर्ष की उम्र में भी कल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है कोर्ट में जाकर के, और नियमित अपने ऑफिस में बैठते थे। बिना किसी सेवा के अंतिम यात्रा में भी निकल पड़े। मैं गोरखपुर के वरिष्ठतम अधिवक्ता और गोरखपीठ के अत्यंत नज़दीक रहे
हमारी सभी संस्थाओं में, गोरखस्पीड से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं थी उन सभी संस्थाओं में उनकी सक्रिय सहभागिता रहती थी। संजोग से आज मैं गोरखपुर में हूँ। मुझे आज प्रातःकाल जानकारी मिली, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भगवान गोरखनाथ जी से दिवंगत आत्मा की सदगति की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनके परिवारजन प्यारे मोहन सरकार जी के द्वारा जो उच्च मूल्य और आदर्श स्थापित किए गए हैं उनको उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। भगवान गोरखनाथ जी से उन्हें सदगति प्राप्त हो इस बात की कामना करता हूँ और दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित तहसील समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनकर जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं का समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंगलवार को हुए तहसील समाधान दिवस में आए 86 मामलों में से 5 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को 15 दिनों में निस्तारित करके आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दें। विलंब होने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस के अतिरिक्त ऑनलाइन प्राप्त 801 शिकायतों का भी समय से निस्तारित करें ताकि डिफाल्टर की श्रेणी में ना आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की मात्र 18 शिकायतें लंबित हैं, इसका भी समय से निस्तारण करके आख्या अपलोड करें। शिकायत पत्र निस्तारण करते समय इसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, SP नॉर्थ गणेश साहा, SDM सदर राहुल पांडे, CRO बलराम सिंह, ADM फाइनेंस विधान जायसवाल, ADM प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया, हम तो साहब से कई बार मिले, साहब बहुत अच्छे जल्दी जिलाधिकारी बन जाए सर। आप साहब डीजी बन जाए। वही तीनों पर काम करना तो क्या ठीक है।
उसको बुला लो, इसी विरासत में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो होती है दर्ज करा दो इधर आइए आगे चोरा को दिया तो हमने चार
समाधान दिवस में ज़्यादातर मामले भूमि विवाद के आते हैं, पैमाइश के आते हैं, और कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें पारिवारिक झगड़े भी होते हैं आबादी की संपत्ति को लेकर। तो जो हमारे राजस्व के मामले हैं उसमें हम लोग सीधे सीधे आदेश करते हैं कार्रवाई के लिए, और जो मामले ऐसे हैं जो सिविल न्यायालय के डोमेन में जाते हैं तो उसमें हमारी एक व्यवस्था मजबूत है थाना समाधान दिवस की। तो उसमें उभय पक्षों को बुलाते हैं, जैसे थाना समाधान दिवस अगला शनिवार को होगा 6 तारीख को, तो अनेक मामलों में हमने 6 तारीख लगाई है, उसमें थाने पर दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाएगा, आपस में बातचीत कराई जाएगी। अगर स्वेच्छा से और समझौते से समाधान हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ दोनों पक्ष बातचीत कर सकें, वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, उनकी उपस्थिति में समझाने बुझाने से यदि दोनों पक्ष मान जाते हैं और समाधान हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वो विवाद समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के मामले आते हैं। कुछ मामले हमारे यहाँ किसी को राशन नहीं मिला है, किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, किसी का कहीं अतिक्रमण है, इस तरह के मामले भी आते हैं। तो सभी का देखते हैं कि सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं, सदर तहसील में 14 थाने आते हैं, सभी थानेदार यहाँ मौजूद हैं, सभी सर्कल ऑफिसर्स हैं, सारे विभागीय अधिकारी हैं, तो उनको यहाँ बुला के मेज पर कंसर्निंग विभाग से पूरी हम रिपोर्ट लेते हैं, जो परिवादी आता है उसके सामने उसकी संतुष्टि कराते हैं और तब समाधान का आदेश करते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मंगलवार को विकास भवन परिसर में किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष गीता पांडे, जिला मंत्री पुष्पा शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष हेमवंती, जिला कोषाध्यक्ष मालती सहित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को शुद्ध करने और गोरखपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देने की शपथ ली। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने मानदेय को बढ़ाने की मांग पर चर्चा करते हुए आगामी रणनीति बनाई। तहसील परिसर में कंप्यूटरकृत खतौनी लेने आने वालों के लिए बैठने के लिए विश्राम कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सीडीओ अनुज सिंह, एसडीएम सदर राहुल पांडे, तहसीलदार विनोद कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विश्राम कक्ष में कंप्यूटरकृत खतौनी लेने वाले प्रतीक्षा कर सकेंगे, जिसमें आगंतुकों को बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यहां न्यूज़पेपर और पुस्तकें भी उपलब्ध रहेंगी, जिससे खतौनी सहित अन्य कागजात लेने वाले तहसील पहुंचे लोगों का समय का सदुपयोग हो सके। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यूपी कोर के आह्वान पर इस एसोसिएशन से संबंधित डॉक्टरों ने 12 घंटों का कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टरों की 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक के हड़ताल की वजह है उनकी कुछ मांगे। इसी क्रम में IMA के डॉक्टरों ने एक बैठक का आयोजन गोरखपुर के सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में किया। इस बैठक में डॉक्टरों ने अपनी मांगों के विषय में अपनी बातें रखी, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि सरकार की ओर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके NMC का गठन किया गया है, जिसका IMA के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। साथ ही
उनका यह भी कहना है कि विदेशों में डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में प्रैक्टिस करने पर उन डॉक्टरों को कोई रोक नहीं है, जबकि भारत के डॉक्टर को MBBS पूरा कर लेने के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए IMA के UP के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर RP त्रिपाठी ने बताया, और कई बार बैक बीच करके एक बार बात होती थी, कुछ मुद्दे माने जाते थे, उसके बाद वो बैक बीच कर लेती थी। राजस्थान में फिर एक तो उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने उस मतलब हो सकता है कि ETB में कुछ डॉक्टरों से उनके अच्छे संबंध हों, उसके थ्रू जो एक तो उन्होंने कि डॉक्टर क्यों हड़ताल पे हैं उनकी मांगे जेन्यून थी, TV वाले ने ये भी दिखाया और उसके साथ मरीज कितना सफर कर रहे हैं ये भी दिखाया। हमें लग रहा है कि वो चैनल पे एक दो घंटे की बिल्कुल बहस हुई थी, फेस टू फेस बहस हुई थी कि जैसे डॉक्टर आप क्यों हड़ताल किए हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री फ्री रिटायरमेंट लेते हैं तो आप 70 साल तक इनसे क्यों काम करा सकते हैं, बाकी किसी विधान में तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा भाई यहाँ डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी का मतलब ये डॉक्टरों की कमी दूर करने का अधिकार डॉक्टरों के पास तो है नहीं, आपके पास वो तो आपके पास है ना, पेरीफेरी में जाए। तो जो सरकार का कर्तव्य है वो हमारे ऊपर डाल के और हमको दोषी बनाना ये सरकार चाहती है, पर हम लोगों के पार्ट में हम लोग ये कर सकते हैं भाई, जनता तो किसी की नहीं होती। क्या मामला है पूरी बात बताएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MCI को भंग करके NMC बिल पास किया, शुक्रवार को संसद में पास हो गया, आज इस पर बहस होना है संसद में। हमारी मांगे ये है कि NMC का जो प्रावधान है जो इस समय है वो ठीक नहीं। कुल 25 मेंबर की कमेटी है जिसमें सिर्फ 5 डॉक्टर रखे गए, सारे क्यों नहीं? किसी भी दूसरे एसोसिएशन में जिस संगठन का एसोसिएशन होता है उसी संगठन के सारे लोग रहते हैं, इस एसोसिएशन में ऐसा क्यों नहीं? हमारी मांग ये है कि सारे के सारे डॉक्टर्स ही होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि NMC में ये प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 60% सीटें उस मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की तरफ से भरी जाएंगी, 40% ही गवर्नमेंट भरेगी। हम इसका विरोध करते हैं 100%। जब लड़का एग्ज़ाम दे करके आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो सारी सीट उसके माध्यम से ही भरी जानी चाहिए। तीसरी चीज़ कि इन लोगों ने फॉरेन ग्रेजुएट्स को, अगर वो रशिया का है और वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है तो इंडिया में वो प्रैक्टिस कर सकता है, चाइना का है चाइना में रजिस्ट्रेशन कराया है तो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, नेपाल का ग्रेजुएट नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराया है और इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारा जो ग्रेजुएट है जो इंडिया से निकल रहा है उसको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम रखा गया है लाइसेंस नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये विरोधाभास है, हम इसका विरोध करते हैं। ठंड और कोहरे से गरीब असहाय और निर्धनों को राहत देने के उद्देश्य से मंगलवार को तहसील परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा निधि के तहत खरीदे गए 330 कंबलों को गरीबों निराश्रितों असहाय लोगों में वितरित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, जिलाधिकारी राजीव रौतेला, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, SDM व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल पांडे, तहसीलदार विनोद सिंह ने लोगों को कंबल वितरित किया। अपने संबोधन में विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप गरीबों और असहायों को कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिससे उनको ठंड से राहत मिल सके। इस मौके पर जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा, आयोजन क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब मैं इस सामने बैठी हुई जनता को मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए। सदर तहसील में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह है, तो गरीबों की सेवा करिए, तो मैं मानता हूं कि सब तीर्थों से बड़ा यह एक माध्यम होगा, तो गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीन दुखियों की गांव गरीब
किसान मजदूर सबकी चिंता करने वाली जो है सरकार है, आज इस ठंडक के मौसम में उन गरीब लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है, यह कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है शासन की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि गरीब कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो भी आवश्यकताएं हैं, शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप उन गरीबों तक शासन की उन योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इसी क्रम में ये हमारी सरकार, हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, सभी अधिकारी लोग मिल करके आज इस तहसील में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम सभी अपने जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति आई हुई है, सरकार की योजनाओं का आप लोग लाभ लीजिए। और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि आप सब लोग बारी बारी से आकर के अपने कंबल को प्राप्त करेंगे, कोई भीड़ भाड़ कोई हल्ला नहीं होना चाहिए, कंबल सबके। ये जो प्रोग्राम यहाँ पर किया है इसके पीछे सोच ये है कि जो हमारा प्रदेश का शासन है और हमारा जनपद का प्रशासन है, वो दोनों के दोनों ही जो हमारी गरीब जनता है, जो इस भीषण सर्दी में कठिनाई में है, उनको हम लोग कुछ राहत पहुँचाएँ। इसी दृष्टि से इस आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी श्री महेंद्रपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे टीम के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ पर सदर तहसील में विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे आज के लाभार्थीगण, इस परिसर में उपस्थित जनता के सभी सामान्य जन, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अधिवक्तागण और तहसील के सभी हमारे अधिकारी व कर्मचारीगण, हम लोगों ने इस बार अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट में भी एक समारोह किया था जिसमें क्षेत्र के गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटे थे। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमको धनराशि सरकार से प्राप्त हुई है उसके तहत हम लोग हजारों की संख्या में पूरे ज़िले में कंबल बांट रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जो निधि है उसमें भी हमारे पास कोई धनराशि की कमी नहीं है। और हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार से प्राप्त धनराशि के अलावा भी जितनी भी ज़रूरत होगी हम लोग पूरे ज़िले के गरीबों में कंबल बांटने की व्यवस्था करेंगे। और इसके अलावा जो पूरे ज़िले में इस समय लगभग 400 स्थानों पर अलाव जल रहे हैं, हमने आज ही व्यवस्था की है कि सभी तहसीलों को हमने जो पहले 3.5 लाख की धनराशि दी थी उसके अलावा अपनी निधि से भी आज 3.5 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। और ये निर्देश दिए हैं सभी SDMs को कि वो अपने यहाँ देख लें जो भी प्रमुख चौराहे हैं, चाहे वो कस्बे हैं, चाहे वो गांव हैं, चाहे कोई सार्वजनिक महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जहाँ जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते हैं या रात में बैठते हैं, आवागमन रहता है, वहाँ पर अलाव अनिवार्य रूप से जलाएं। और इसके लिए आपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा होगा कि मेरे अधिकारी रात में निकलकर अपने अपने क्षेत्र में सभी जगह रैन बसेरों का निरीक्षण भी कर रहे हैं जहाँ पर गरीब लोग रात गुजारते हैं। और जहाँ जहाँ अलाव की व्यवस्था है, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे नगर पंचायतों की हो, चाहे तहसील की हो, वो सभी व्यवस्थाओं को वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो व्यवस्था हम लोगों ने तय की है वो
वास्तविक रूप से वो क्रियान्वित हो और जनता को उसका लाभ मिले। दो तीन लोगों को एक साथ करा लीजिए भैया, थोड़ा सा आप उधर जाइए, हो गया सर बाबा लीजिए ले ले रहा है ना, हाँ इधर आइए, इधर से आइए, कई साल आप लोगों को ही गर्म रखते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए राहगीरों और यात्रियों के लिए शहर के सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने सहित कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय सोनिया गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के सदस्यों ने मंगलवार को मंडलायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा चौराहों पर अब तक समुचित अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं सड़कों पर छुट्टा पशुओं का आतंक से लोग काफी भयभीत हैं। इस पर लगाम कसने में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। ज्ञापन देने के दौरान पार्टी के परवेज अख्तर, राजीव कुमार सिंह, राजकुमार यादव, मोहम्मद अजहर अली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए राजकुमार ने बताया, राजकुमार यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या समस्या है? आज जो ये मांग पत्र लेकर के हम लोग आए हैं नगर निगम द्वारा, जानवरों का छुट्टा घूमना, साढ़ों का छुट्टा घूमना और रोज कहना कि गिरफ्तारी होती है, वो ये आ जाते हैं। आप देखते होंगे कि सारे मोहल्ले में साढ़ किस प्रकार से घूम रहे हैं, शायद उस प्रकार से गुंडे भी नहीं घूम रहे हैं। गुंडों पर तो अंकुश लगा, लेकिन योगी सरकार में साढ़ों पर अंकुश नहीं लगा। नगर की सफाई का हालत आप देख रहे हैं, नूरी मस्जिद से लेकर के अंदर की तरफ जाएं और उसके किनारे चारों तरफ गंदगी का सम्राट छाया हुआ है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि सबसे पहले जलाओ का काम किया जाए। जलाओ रमदा का नाम है, काजीपुर, जाफराबाजार, तिवारीपुर, नरसिंहपुर, मौलारपुर, इन इलाकों में कहीं भी जलाओ नहीं हो रहा है। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी छात्राओं द्वारा मंगलवार को कॉलेज परिसर से स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई। यह रैली अलालादपुर, भगत चौराहा, शास्त्री चौराहा, अंबेडकर चौराहा, कैंट चौराहा, बेतिहाता होते हुए वापस कॉलेज परिसर में जाकर समाप्त हुई। रैली के दौरान एनसीसी और एनएसएस की छात्राओं ने बैनर, पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर आशा पांडे, रेणुका देवी, आरती मिश्रा, नित्यानंद तिवारी, अशोक कुमार सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका ने बताया, जनता को समझाना है, जनता को समझाना है, जनता को समझाना है।
निकाली गई। स्वच्छता अभियान चुप रहो। भारत का स्वच्छ, भारत को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प लिया गया है उसके उपलक्ष्य में कॉलेज का इस तरफ से एक लोग एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, जिसमें हमारे एनसीसी और एनएसएस के दोनों के बच्चे सम्मिलित रूप से रैली निकाल रहे हैं, जो एक नगर निगम की तरफ से होने वाला है स्वच्छता अभियान, और जो गोरखपुर महोत्सव होने वाला है उसमें हम अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके तो हम वही काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक की, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने की। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों के समायोजन पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था, जिससे प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सड़क पर आना पड़ा। इस मामले में जनवरी माह में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगामी आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राम निषाद नगीना, अविनाश कुमार, अशोक चंद, बेचन सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पदाधिकारियों जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई को जो समायोजन निरस्त हुआ था उसी संबंध में चर्चा आज किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का जो समायोजन को निरस्त किया है उसके संबंध में जो आर्डर हम लोग देखे, आर्डर में यही है कि जो भी शिक्षा मित्र हैं उनकी योग्यता को पूरा कराया जाए, उनके उम्र में छूट दिया जाए, और योग्यता पूरा होने के बाद उनको भारांक या वेटेज दे करके दो अवसर प्रदान किया जाए ओपन भर्ती के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी वही जो ओपन भर्ती है उस प्रक्रिया में जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था उसको दो भाग में बांट करके 68,500 दो भाग में उसको विभाजित करते हुए पहला भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसपे अभी जो संगठन का मानना है कि अभी 68,500 शिक्षा मित्र TET पास हुए नहीं हैं, लगभग 30,000 पास हैं। अगर ऊपर से अगर उनको परीक्षा भी देना पड़ेगा तो 20% जो पास हैं उसमें 20% पास होंगे, लगभग 5-6,000 पास होंगे। इस तरह से 68,500 जो पद है वो केवल शिक्षा मित्र का रिक्त पद है, जो शिक्षा मित्र से खाली हुआ है। तो संगठन का मानना है कि परीक्षा न लिया जाए और 68,500 पहले शिक्षा मित्र को TET पास कराया जाए, उनको अवसर दिया जाए, उसके बाद उसको भर्ती किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कहा गया कि इनकी योग्यता को पूरा करा दिया जाए, और योग्यता को पूरा अगर करा भी लिया गया तो अगर उस पद को अन्य BTC या किसी और से अगर भर्ती कर लिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप अगर सही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अगर मानना है तो पहले 68,500 शिक्षक बनने लायक योग्यता को वो पूरा करा लें, फिलहाल हम लोग वो सरकार का काम है कि क्या करना है। फिलहाल संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ माननीय सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई के उस आदेश को रिव्यू के माध्यम से पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया है, और उसको इसी जनवरी महीने में लगभग 20-25 जनवरी के आसपास उसका डेट लगने का उम्मीद है, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि 9 अगस्त को जो भारत सरकार द्वारा जो एक्ट पारित किया गया है जिसमें कहा गया कि अपने पद पर रहते हुए 2 साल में इनके योग्यता को पूरा कराया जाए, उस एक्ट के हिसाब से मांग किया गया है। और निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के कानून का अनुपालन करना ही करना है, उसके तहत हम निश्चित तौर पर पुनः बहाल। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल 3 जनवरी को 11 बजे खोराबार के रायगंज गांव का निरीक्षण करेंगे और 12 बजे से जंगल सिकरी धान क्रय केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। ये जानकारी जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने देते हुए बताया कि अपर मुख्य सचिव 4 बजे से आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे, इसके बाद वो लखनऊ के लिए उसी दिन रवाना हो जाएंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारगांव तथा कौशल विकास मिशन गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में 4 जनवरी को 10 बजे से राजकीय ITI गांव में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र लेकर भाग ले सकते हैं।
जिला क्रिकेट लीग का आयोजन गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान में किया जा रहा है। मंगलवार को हुए डोना क्लब और सुपर क्रिकेट क्लब के बीच मैच में सुपर क्लब ने निर्धारित 35 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बनाए। बाद में बैटिंग करने वाली डोना क्लब ने बड़े ही आसानी से निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया और 4 विकेटों से अपनी जीत दर्ज कराई। हम पीछे नहीं खेलते हैं। अच्छे अच्छे अच्छे। नहीं नहीं हो रहा तो ठीक है, पीछे बोल के खिलाओ यार। ओए क्या दे यार आनंद, क्या टप्पे पे खिलाया, टप्पे पे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सब बोल लाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपीठ से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता प्यारे मोहन सरकार के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। अधिवक्ता समाज में छाई शोक की लहर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ साल का पहला तहसील समाधान दिवस। 15 दिनों में सभी मामलों के निस्तारण का दिया आदेश। आंगनबाड़ियों ने स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत करने और गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए शपथ। जिलाधिकारी ने कंप्यूटर कृत खतौनी लेने आने वालों के लिए फीता काटकर किया विश्राम कक्ष का उद्घाटन। IMA के UP कोर के आह्वान पर डॉक्टरों ने किया 12 घंटों का हड़ताल। MCI के भंग करने और NMC के गठन पर जताया विरोध। तहसील परिसर में विधायक और जिलाधिकारी ने गरीबों को किया कंबल वितरण। 10 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने मंडलायुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन। NSS और NCC की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने बैठक कर बनाई आगामी आंदोलन की रणनीति। गोरखपुर जिले के नोएडल अधिकारी संजय अग्रवाल अपर मुख्य सचिव जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 3 जनवरी को आएंगे। ITI में लगेगा 4 जनवरी को रोजगार मेला। और जिला क्रिकेट लीग में डोना क्लब ने सुपर क्लब को 4 विकेटों से हराया। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।